अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा आज आपसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट किस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ तो शेयर कर लूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ। तो ये रहा गार्लिक का पेस्ट, मैंने लहसुन छील लिया था और इसको पीस लिया है। इसी तरीके से जिंजर को भी अच्छे से छील के और उसको हल्का सा मतलब ऐसे कूट के और मिक्सर में आप पीस के रख सकते हैं। और मैं ये साइड में जो रखी हूँ कटोरी में, और इसको मैंने जिंजर को क्रश कर लिया है और लहसुन को भी, जैसे अपन को कभी क्रश किया वाला मसाले में ज़रूरत होती है तो वो भी अपने पास रेडी रहे। और ये मैं रखती हूँ, ये 1 वीक के लिए बनाई हूँ और इसे फ्रिज में रखती हूँ। और मैं जो बनाती हूँ थोड़े 15 डेज़ के हिसाब से, तो उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो वो मैं कभी और आपसे शेयर करूँगी। उसके आते हैं सांचे आते हैं किस तरीके से आप उसमें 15 डेज तक रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि ख़राब होते हैं। ये भी जो पीस के अपन रख लो इजीली, मुझे तो बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि ड्यूटी इनकी ऐसी कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे खाना पकाना होता है, ये सब रेडी रखना होता है। आपने देखा कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।